गरीब जनक्रांति पार्टी के आरा जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के सहयोग से डेरियनसोन महिला थाना में कराया गया एफआईआर। मामला धरहरा के हरिहर थाना क्षेत्र रोहतास जिला का है, जहां पीड़िता गीता कुमारी पिता अरविंद सिंह अपने पिता के घर रह रही है, जहां गीता की शादी सत्येंद्र कुमार से हुई, परंतु शादी के बाद लड़की को पता चला कि सत्येंद्र की पहले से दो शादी हो चुकी है। इस बात को पूछने पर सत्येंद्र गीता को बेरहमी से पीटा, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। कि हमको भैया बड़ी ये लोग मार मार रहे हैं, आप आइए। तो हम बोले कि ठीक है, रात भर सबूर से रहो, हम सुबह होते ही गाड़ी लेके आएंगे आपको लेने के लिए। वही गए लेने के लिए, तो वो लोग मारपीट के पहले से ही प्रोग्राम बना के रखा था। गए तब तक वो लोग टॉर्चर शुरू कर दिया। कौन शुरू कर दिया? उसका पिताजी, लड़का, उसका माँ है, उसका सिस्टर है, सब लोग वहीं पर रहते हैं अभी। अच्छा, हाँ। तो दारू तो अभी बंद है, तो दारू कैसे पी लेता हूँ? दारू पी लेता है ना, दारू जो जितना जितना जिसका दो नंबर का धंधा है, इतना बड़ा नर्सरी खोल के रखा है, उसको दारू क्यों नहीं मिल जाएगा? अच्छा अच्छा, उसको दारू मिलता है? नहीं मिलता है, वो पीता है ना। यहाँ नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि रोज दारू हम बंद करवाए हुए हैं। वो क्या दारू बंद करें, उससे ज्यादा तो बिक रहा है दारू। उससे दारू ज्यादा बिक रहा है? नहीं हाँ। आपका अनुभव पक्का है? अनुभव पक्का है मेरा। अच्छा, तब इसके बाद क्या हुआ? अपनी बहन को लेने गए तो लेने के लिए देख रहे हैं कि इसको जितना भी गाना गिरी था, ये लोग सब मारपीट के छीन लिए हैं, उसका कपार भी फाड़ दिए, ले जाकर वही आरा सदर हॉस्पिटल में हम इसका इंजुरी भी बनवाए, वहाँ लोग वीडियो भी बनाए थोड़ा बहुत कि देखिए इसका मार करके टाका उका दिया था उसके सर में। अब फिर लेके कहाँ गए इसको आप? अब वहाँ से ले करके हम अपने घर आए। अच्छा, लिखित आवेदन किसको दिए? जन श्री जिला अधिकारी को। बताइए, देखकर बताइए कहाँ दिए हैं, पूरा स्पष्ट बताइए। श्रीमान जन अधिकारी परिजनों महोत्सव गरीब जन क्रांति पार्टी को दिए। हाँ, गरीब जन जिला अध्यक्ष को दिए। क्या बोले आपको? वो बोले कि बाबू ठीक है, हम इंक्वायरी करते हैं, सत्य का जरूर लेट होता है थोड़ा, सत्य का मगर जीत होगा। आपको बहन का शादी किए हैं आप, तो आपको नहीं मालूम था उसका 200, 300, 400, 500 शादी है, करेक्टर क्या है? मेरे को नहीं पता था, हम यहाँ नहीं रहते थे, पहले सगाई उगाई कर दिए थे, हम विदेश रहते थे कुवैत में, मेरे पास सब स्टम्पिंग है कब हम यहाँ थे या नहीं थे। अच्छा, हम जब तक आए तब तक भारत में लॉकडाउन लग चुका था। अच्छा, ठीक है। लॉकडाउन में शादी की आप? लॉकडाउन में भी हम लोग डेट फेल कर दिए, बोलता है कि मेरे बाप को हार्ट की बीमारी है, यहाँ भर्ती है वहाँ भर्ती है, हमारे घर खाना बनाने की बहुत दिक्कत है, इसके लिए शादी कीजिए। ठीक है, शादी कितना पता किए थे आप तो भाई है। हाँ, शादी हम उसको 2.5 लाख रुपया एक पल्सर गाड़ी तय हुआ था, जिसमें आप क्या दिए उनको? 2.5 लाख रुपया दिए? 2.5 लाख रुपया दिए, गाड़ी दिए, गाड़ी का भी पैसा ले लिया। अच्छा, गाड़ी का भी पैसा ले लिया। हाँ, कैश पेमेंट दिए थे? हाँ, कैश पेमेंट दिए थे। बताइए, उसके बाद भी आप लोग को कुछ दिन के बाद मालूम चला? नहीं, कुछ दिन के बाद हमें पता चला इनका यही धंधा है, इनका यही धंधा है, तो इसके लिए हम लोग सोचे कि अब क्या कर सकते हैं इसके साथ जो भी है। हम लोग बोले कि भैया जो हो अब कम्प्रोमाइज करो, तब अब उस पे मानता नहीं है, वो बोलता है केस करेगा, केस लड़ेंगे, प्रशासन मेरा है, ये मेरा है, तुमको उठवा लेंगे तो मार देंगे। तो नहीं, प्रशासन किसी का थोड़ी है, मेरा है, आपका है। प्रशासन सार्वजनिक पावर है। हाँ, अपने आप को प्रशासन अपने आप है, हम लोग के ऊपर भी प्रशासन, ये हम लोग कहेंगे कि प्रशासन से बढ़ के हम है, ये गलत बात है, गलत बात है। ठीक है, नर्सरी खोले हैं, वरीय पदाधिकारी आते हैं, ठीक, तो मतलब नहीं हुआ कि प्रशासन उनके मेल में है क्या? आपका क्या कहना है? हमारा क्या आपको लगता है कि मेल में है? नहीं, मेल में नहीं है। नहीं ना है प्रशासन? नहीं, मेल में। आपने कंप्लेन करेंगे उसके बाद है ना प्रशासन एक्शन में आएगा। हाँ हाँ, क्या गलती बोले हम? नहीं नहीं, सही है। अच्छा, तो फिर इसके बाद बहन को लेकर चले आए अपने गांव? अपने गांव पर लेकर। क्या अभी राय बना रहे हैं? अभी राय बना रहे हैं कि FIR दे करके देने के लिए। तो अनिल जी को आप लोग दिए है ना वहाँ पर? हाँ, दे दिए हैं। तो वो क्या बोले? FIR हम करा रहे हैं इसके ऊपर। हाँ बोले है ना। हाँ, कितना दिन का समय दिए? क्या हुआ था आपके साथ? आपके पति क्या कर रहे थे आपको? शादी करके यहाँ से गई तो? गए थे तो वहाँ पर 2-3 दिन हमको अच्छा से रखे हैं, फिर उसके बाद में हम शादी उदी जाने ना, तो फिर भी ये सुने पहल का शादी यही 8 बजे शादी हुआ था ना, 12 तारीख को हम पहल का शादी सुने, और 2 दिन के बाद फिर सुने कि मतलब उसका लड़की है, फिर 15 या 16 तारीख को फिर सुने कि इनका दूसरा शादी है, हम तीसर की हैं,
तो फिर हम सुन के फिर भी चुप हो गए, उनसे पूछबो नहीं किए ना कुछ जानकारी उकारी पूछे। दो तीन दिन आरा गए फिर उससे पूछने लगे ना तो हमको मार पीट रही, धमकाने लगा कि यहाँ से भगविश तो तोरा के जान मार के फेंकते मारियो बहुत कुछ ऐसे ही कहने लगा। तो यही डर के मारे हम वहाँ पर रह गए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, हम खाली चुपचाप देख रहे थे कि ये का कर रहा है बस। अच्छा। सोचे कि अब जो होगा सब वो इसी के हाथ में है। तो आप कितना दिन वहाँ रही? मतलब जब से शादी करके गई जब तक वहीं थी ना? हाँ। अच्छा, कब बच्चा कैसे खराब हो गया आपका? आपका कहना है? हाँ, वो आया था एक दिन रात में दारू पी के, शराब पी कर आया था, तो बोला कि खाना दो तो हम खाना भी दे दें। तो हम इतना ही बात बोले ना कि रोज रोज दारू पियल अच्छा चीज है, दारू मत पीजिए। तो बोला कि तुम अपना औकात में रहो ना। तो हम ऐसे ही बोले कि औकात नुकात का बोल रहे हैं झूठ मूठ के, से शादी करके लाए हैं तो कम से कम पत्नी को इज्जत कीजिए। और यही बात बोलने पर वो सोच रहा है कि हमसे बहस करने लगी, इसीलिए हमको ऐसे अपना सूचना दिए ना कि बच्चा मेरा धसोर दिया। तो लाते लाते ऐसे ही मार दिया जिसके वजह से पेट में मेरा चोट लग गया था, इसीलिए मेरा बच्चा नुकसान हो गया था। उसके बाद किसको सूचना दिए इस सब घटना के बारे में? किसको सूचना दिए? प्रशासन में दिए, अपने भाई को दिए, किसको दिए सूचना? भैया को दिए थे, कॉल करके बताए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो उन्हीं को बताए थे। अच्छा, उन्हीं को बताए। फिर इसके बाद में आप वहीं पर रहने लगी? कहाँ पर रहने लगी? अपने ससुराल में। कहाँ पर? गिद्धा। वहाँ क्या है? वहाँ लीज पर जमीन लेकर और न्यू श्री कृष्णा बाग नर्सरी खोला है, उसी में रूम दो बनाया गया है, उसी में हम रहते थे। उसी में आप रहते थे? हाँ। ठीक है, फिर आपके साथ 2 तारीख को क्या हुआ? 2 तारीख के 1 तारीख के झगड़ा बहुत ज्यादा, मतलब उसे ही बॉस उसकी कर रहा था मारपीट। तो 2 तारीख के हम ना फोन किए भैया को, तो भैया हमको ले जाने के लिए आए, तो उसी बीच में ये लोग मारपीट करने लगे और मेरा जो भी था ना गाना उना सब छीन लिए थे। कौन छीन लिया गाना? मेरे हस्बैंड छीने थे। और उनका पिताजी? उनका पिताजी थी और उनकी मम्मी भी थी और उसका सिस्टर भी थे। सब कोई क्या किया आपके साथ? वो मेरे पर्स में से जितना भी गाना था ना वो सब ले लिए, कान में था, कान में लगा के। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं आपके? हटाइए उसको, गला नहीं हटाइए, उड़नी हटाइए। नहीं, आपके गला में मंगलसूत्र भी दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, कान में भी दो रोल गोल का दिखाई दे रहा है आपको। कुछ नहीं था, सब ले लिए थे। मंगलसूत्र कौन ले लिया? मंगलसूत्र ऐसे ही छीन रहे थे ना, तो वही टूट गया, वही लिए है। बताइए, वही लोग लिए? नहीं। इसके बाद आप किसको सूचना दिए? लिखित आवेदन किसको सूचना दिए? लिखित आवेदन इस घटना के बारे में आप किसको सूचना दिए? जन अधिकारी को दिए थे। किसको? नाम बताइए उसमें। जिला अध्यक्ष को दिए थे। जिला अध्यक्ष को दिए थे? हाँ। ठीक है, वो क्या क्या बोले आपको? बोले कि इसका निदान हम निकालेंगे। बोले हैं? हाँ। अभी तक क्या किए? वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? बात हुआ था उनसे? हाँ, बात हुआ था कि कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? हाँ। क्या लग रहा है, उनसे न्याय आपको मिल जाएगा? ऐसा उम्मीद है कि न्याय उनसे मिल जाएगा। हाँ। आज तो कोई प्रशासन आपको मदद नहीं किया? नहीं किया, कोई नहीं किया। कोई मीडिया वाले भी नहीं किए? नहीं किए। मेन बात है कि मीडिया वाले के पास आप पहुंचे नहीं किए, ठीक है? प्रशासन में पहुंचे, लिखित आवेदन भी दिए, आपको कोई आवेदन का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं ना? लास्ट में इनको दिए हैं तो कुछ लग रहा है कि हो जाएगा? उम्मीद तो है। उम्मीद है, ठीक है, देख लिया जाए इनको भी, ठीक है। थैंक यू।